सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। गाइस रियली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था स्काई रिप्लेसमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एक क्लिक में ही अपना स्काई चेंज करके दिखाया था, जिसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया एंड अपने 8.3K व्यूज़ अपने कंप्लीट हो गए हैं। गाइज इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पार्ट टू लेकर आया हूँ एंड आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अपना जो स्काई का इफेक्ट अपने मॉडल के फेस के ऊपर क्लोज के ऊपर आ रहा था, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस पार्ट टू में इस चीज़ को मैंने बताया, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को भी अच्छा खासा सपोर्ट करना एंड गाइस प्यार देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ, तो चलो गाइस आज की वीडियो को कर लेते हैं बिना देर के स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्काई एडिटर। एंड गाइस ये मुझे पता नहीं आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप मिलेगा भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। एंड जैसे ही आप लोग अपने ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। फिर आप लोग क्या करना है, स्काई फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना, फिर स्टार्ट नाउ पे आ जाना। आप लोग अपने गैलरी के अंदर आ जाओगे, जो भी आपको फोटो रखना हो, मॉडल रखना हो, उसको कुछ इस तरीके से चूज़ करना एंड आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके के ओपन हो जाएगा। एंड गाइस मैंने यहाँ पे अपने एक मॉडल को ओपन किया जस्ट आपको समझाने के लिए, इसके अंदर मैं स्काई ऐड करके दिखाऊंगा। इसकी खासियत क्या है गाइस, आप लोग कोई भी स्काई को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने बैकग्राउंड पे प्रॉपर सेट हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे स्काई मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने पिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग अपने पिक के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकती हो। तो आप लोग इसको 92 रख सकते हो, 92 बेस्ट है। एंड यहाँ से एक फेड का ऑप्शन भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो ये भी आप लोग यहाँ से 80 रख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, स्काई मिल जाएंगे, आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे आप लोग कोई स्काई ऐड करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे मॉडल के फेस के ऊपर भी आ जाता है, तो काफ़ी गंदा लगता है ये चीज़। एंड गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो देखते रहो। जैसे कि गाइस हमने ये स्काई को ऐड करा, ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का इसका इफेक्ट अपने मॉडल के फेस के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, तो गंदा लगता है काफ़ी ज़्यादा देखने में। एंड गाइस इस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस स्काई को ऐड किया, ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। ये हमारी फोटो गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है और आप लोगों ने इस फोटो को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने अपने स्काई वाले फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया, आप लोग भी कर लेना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ऐड फोटो के अंदर जाना और अपने सिंपल फोटो को ऐड करना है, जो आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था। एंड क्या करना है, आप लोगों को कुछ इस तरीके से छोटा करना है बैकग्राउंड को, और सिंपल फोटो को अपने बैकग्राउंड पे कुछ इस तरीके से प्रॉपर सेट करना है एंड ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने इरेजर टूल पे आना और अपने पिक को इन्वर्ट कर देना, अपनी पिक पहले जैसी हो जाएगी। फिर रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हार्डनेस, ओपेसिटी एंड साइज़ का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, तो क्या करना, आप लोग यहाँ से हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देना एंड साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप लोग रख सकते हो, तो मैं यहाँ से 33 रख लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज को कुछ इस तरीके से जूम करेंगे और मॉडल के ऊपर जहाँ पे आपको लगे कि इसका इफेक्ट अपने मॉडल के ऊपर आ चुका है एंड जहाँ पे आपको नहीं रखना हो, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पेंट करना है। तो जैसे कि मॉडल के ऊपर इसका इफेक्ट आ चुका है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। एंड अपने मॉडल के हैंड के ऊपर, शर्ट के ऊपर आ चुका है, तो मैं गाइज ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लीन करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग हमारी फ़ोटो देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने अपने मॉडल के फेस के ऊपर जितना भी स्काई का इफेक्ट था एंड क्लियर कर लिया। आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, पहले हमारी फ़ोटो कैसी थी एंड अभी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फ़ोटो देखने में। उसके बाद आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा अपने मतलब स्काई को एडजस्ट करना है, तो टूल के अंदर आना एंड एडजस्ट के ऊपर आ जाना, तो आपको यहाँ पर एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको इंक्रीज़ कर देना कुछ इस तरीके से, फिर शैडो को कुछ इस तरीके से माइनस कर देना एंड ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद राइट पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस अपनी जो फोटो यहाँ पे फुली कंप्लीट हो चुकी है एंड देखने में काफ़ी ऑसम लग रही है। आप लोग सिर्फ एक क्लिक में अपनी स्काई को एडिट कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाइस आप लोगों ने क्या करना, इस लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो अपनी पिक जो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी,
और गैस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गैस एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।